दोस्तों, मैं मौजूल शेख और आप देख रही है मेरा यूट्यूब चैनल टी यूट्यूब ऑनलाइन जॉब गुरुजी। तो चलिए, मैं आज एक नया चीज़ लेके आपके सामने आया हूँ जिसे आप ऑनलाइन घर बैठे अपना अर्निंग कर सकते हैं। आप कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा हो सकता है, लेकिन ये सच है। आज से कुछ दिन पहले एक नया कंपनी लॉन्च हुआ है जो बहुत अच्छी तरह से अपना मार्केटिंग करना के लिए शुरू हुआ है। इस कंपनी में जो आपको करना है एक आईडी बनाना है, और आईडी बनाने के बाद आपको अर्निंग करना है। तो कैसे आईडी बनाएंगे और कैसे अर्निंग करेंगे, कैसे ऐड देखेंगे, सब कुछ आपको बताएंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जो आपको करना है, अपना मोबाइल से आप ये आईडी बना के अपना अर्निंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो करना है आपको, जो आपका मोबाइल पे गूगल पे जाना है, गूगल पे जाके आपको सर्च करना है ड्रीम पे डॉट इन्फो। तो चलिए हम यहाँ सर्च करते हैं ड्रीम पे डॉट इन्फो, और अपना आईडी कैसे बनाते हैं वो आपको दिखाते हैं। तो चलिए यहाँ टाइप करते हैं। देखिए, हमने टाइप कर दिए हैं और लॉगिन कर दिए हैं। आपको भी ऐसे ही लॉगिन करना है। देखिए, पहले से मेरा आईडी खुला हुआ है, इसीलिए यहाँ आप देख सकते हैं कि चला आया है। तो आप देख सकते हैं जो पेज खुल चुका है कंपनी का। तो आप यहाँ देख सकते हैं ड्रीम पे नेटवर्क, ड्रीम पे नेटवर्क। यहाँ आपको जो करना है, साइनिंग ऑप्शन है और साइन अप ऑप्शन है। तो आपको साइन अप करना है, और कैसे साइन अप करके आप अपना आईडी बना के अर्निंग कर सकते हैं। तो इससे पहले हम इसके बारे में थोड़ा बताते हैं, इसका प्लानिंग के बारे में। तो ये जो है, ये आपको फ्री में आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं, और 150 रुपया देकर भी ज्वाइनिंग कर सकते हैं। तो फ्री में ज्वाइन करके भी आप अर्निंग कर सकते हैं, और 150 रुपया दे के भी अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फ्री में ज्वाइन करते हैं, तो आपको जो अर्निंग होगा, मैं आपको बाद में बताऊंगा कैसे अर्निंग होगा, कौन लेवल पे कैसा इनकम होगा। लेकिन अगर आप पे करके, यानी 150 रुपया देकर अगर आप ज्वाइन करते हैं, तो आपका कैसा इनकम होगा। तो चलिए पहले आपको दिखाते हैं कि कैसे साइन अप करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं साइन अप बटन, आपको साइन अप बटन पर क्लिक करना है। देखिए, खुल चुका है पेज साइन अप बटन, और यहाँ आपका सबसे ऊपर जो दिया हुआ है स्पॉन्सर आईडी, स्पॉन्सर आईडी पर हम अपने स्पॉन्सर आईडी आपको बताते हैं। देख सकते हैं हमारा स्पॉन्सर आईडी हमने डाल दिया है, कैपिटल लेटर का है, DM42928888, DM42928888। उसके बाद ये मेरा स्पॉन्सर आईडी है। उसके बाद आप अपना जो भी यूज़र नेम हो आप ऐसे डाल सकते हैं, और आप यहाँ अपना फुल नेम देंगे जो आपका अकाउंट पे और पैन कार्ड पे है। उसके बाद आपका कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ आप दे सकते हैं। उसके बाद ईमेल आईडी अच्छी तरह से देंगे, वैलिड ईमेल आईडी देंगे, क्योंकि ईमेल आईडी पे ही आपका ये आईडी वेरिफिकेशन होगा। ईमेल आईडी पर ही आईडी वेरिफिकेशन होगा, इसीलिए हम कह रहे हैं कि ईमेल आईडी को अच्छी तरह से सही ईमेल आईडी, वैलिड ईमेल आईडी भी आप देना, ठीक है। इसके बाद पासवर्ड, आपको यहाँ पासवर्ड अच्छी तरह से बनाना है। हाँ, 1 2 3 4 ऐसे पासवर्ड आप नहीं बनाएंगे, आपको स्ट्रांग पासवर्ड बनाना है। उसके बाद यहाँ आपको टच करना है सबमिट में, ठीक है। सबमिट में जैसे ही आप टच करेंगे, तो देखिए हम यहाँ सारे फिलअप कर चुके हैं, और हम सबमिट में क्लिक करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबमिट में क्लिक करने के बाद हमारे पास ये पेज खुल चुका है लॉगिन करने के लिए, साइनिंग करने के लिए। तो आपने जो यूज़र नेम डाला था यहाँ पे, वही यूज़र नेम आप डाल दीजिए। देखिए, जैसे मैं हमने डाला था वो डाल दिए, और यहाँ पासवर्ड हम डाल देते हैं। आप अपना पासवर्ड डालिएगा। और हम यहाँ साइनिंग कर देते हैं, ठीक है। आप भी ऐसे ही साइनिंग करिएगा। जैसे ही हम साइनिंग किया, देखिए आपको दिखाई दे रहा है कि पेज खुल गया है। यहाँ आपको ए यूज़र नेम अपना डाल के,
ऐसे ही खुलेगा। उसके बाद पासवर्ड डाल के आपको जैसे ही आप साइनिंग करेंगे, यहाँ पासवर्ड डाल के जैसे ही आप साइनिंग करेंगे तैसे आपका जो पेज खुलेगा वो हम आपको दिखाते हैं। देखिए हम यहाँ पासवर्ड आप डाल देते हैं साइनिंग करने के लिए। हमने यहाँ साइनिंग करने के लिए पासवर्ड डाल दिए हैं और साइन कर दिए। देख सकते हैं आप, आपके सामने एक पेज खुल चुका है, लेकिन ऐसे आपका पेज नहीं खुलेगा क्योंकि हमारा पहले से आईडी बना हुआ है, इसीलिए ऐसा पेज खुल चुका है। लेकिन आपका जैसे पेज खुलेगा वो हम आपको दिखाते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं। आपको 3 टास्क कंप्लीट करना है, वो इजी टास्क है, हम आपको दिखाते हैं। तो चलिए दोस्तों, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, जो आप ऐसे जब साइनिंग करेंगे तो साइनिंग करने के बाद आपका ऐसे मेल पे वेरिफिकेशन कोड आएगा, और ये जो आपको नीचे दिखाई दे रहा है एक लिंक, वहाँ पे क्लिक करना है और क्लिक करके आपको वेरिफिकेशन करना है, ठीक है। तो आप यहाँ वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन करने के बाद जैसे ही आप वेरिफिकेशन करते हैं, वेरिफिकेशन करने के बाद आपको जो करना पड़ेगा, देखिए टास्क खुल चुका है, ये टास्क आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, फेसबुक को लाइक करना है पहले, पहला नंबर टास्क। उसके बाद दूसरा जो है वो आपको यूट्यूब को लाइक करना, सब्सक्राइब करना है। उसके बाद जो देख रहे हैं तीसरा नंबर, उसके बाद आखिर में सबमिट बटन हम दिखा रहे हैं लाल बटन में, ऐसे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे आप क्लिक कर देंगे तो ऐसे आपका खुल जाएगा। जैसे आपने आपको दिखाया कि वेरिफिकेशन जैसे ही हो जाते हैं आपका, तो वेरिफिकेशन हो जाने के बाद आपको जो पेज खुलेगा वो हम दिखाते हैं। अभी डैशबोर्ड में जाके देखिए, यहाँ होम पेज जैसे हम दिखाते हैं वैसे आपका खुलेगा, ऐसे आपका पेज खुलेगा। देखिए यहाँ पे ग्लोबल मेंबर्स यानी हर दिन जो टोटल मेंबर यहाँ ज्वाइनिंग होते हैं उनका डिटेल दिया हुआ है, टोटल नंबर दिया हुआ है। देखिए यहाँ आपका सारे ऑप्शन दिया जा गया है, और यह देख सकते हैं आज के डेट में कौन कौन ज्वाइन हुआ है, उसका कुछ लोगों का पिक्चर दिया हुआ है, और भी नीचे आप देख सकते हैं डिटेल्स उनके, और मेरा पिक्चर भी आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ ज्वाइन हुआ हूँ आज ही का दिन 10 बजे। तो देखिए यहाँ जो आपको करना है, सबसे ऊपर ये रिफ़रल लिंक है, ये रिफ़रल लिंक आपको शेयर करना है। और जो ज्वाइन होगा, जो जितना भी आदमी ज्वाइन होगा, अगर वो फ्री में ज्वाइन होते हैं तो आपका फर्स्ट लेवल पे तो आपको वहाँ से 5 रुपया मिलेगा, ठीक है। जितना लोग ज्वाइन होगा उसको 5 रुपया मिलेगा, और आपका 2 नंबर लेवल पे अगर ज्वाइन होता है तो 2 रुपया, 3 नंबर पे 2 रुपया, 4 नंबर पे भी 1 रुपया, 5 नंबर पे 1 रुपया, ये 5ों लेवल है, यहाँ ज्वाइनिंग होने पर आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। तो ये पेज खुलने के बाद, आपका साइनिंग होने के बाद ये पेज खुलेगा। उसके बाद आपको जो करना है, ये जाके आपको यहाँ, अगर आप पेड मेंबर होना चाहते हैं तो देखिए पेड एंड ट्रैक लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और पे करना है। अगर आप पे करते हैं तो देखिए फ्री मेंबर अगर ज्वाइन होते हैं तो आपको फर्स्ट लेवल में से 5 रुपया मिलेगा, ठीक है। अगर आपका कोई ज्वाइन होता है फर्स्ट लेवल में तो आपको 5 रुपया मिलेगा, लेकिन अगर आप यहाँ 150 रुपया का पैसा दे के ज्वाइन होते हैं तो आपको आपको सिर्फ 5 रुपये में संतुष्ट नहीं होने होगा कि कंपनी यहाँ आपको 30 रुपया देगा, ठीक है। हर एक मेंबर ज्वाइनिंग पर आपको 30 रुपया देगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कैसे आपका जो ट्रांसफ़र करना है, 150 रुपया वो दिया गया है, कंपनी का बैंक अकाउंट नंबर और सब कुछ दिया गया है। तो ठीक है, अगर आप पेड करना चाहते हैं तो यहाँ से पेड कर सकते हैं। तो हम यहाँ से आपको बैक ले चलते हैं, और उसके बाद आपका प्रोफाइल कैसे करना है, क्या क्या टीम कहाँ से देख सकेंगे, सब कुछ हम बताएंगे। देखिए आखिर में दिया हुआ है कि प्रोफाइल अपडेट, तो यहाँ प्रोफाइल अपडेट पे जब क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ देखिए डिटेल्स आ जाएगा कि आपको बैंक अकाउंट नंबर, आपका बैंक डिटेल्स मांग रहा है यहाँ पे। उसके बाद IFSC कोड, बैंक नेम,
पैन नंबर, आधार नंबर। देखिए ये पैन नंबर और आधार नंबर दो ऑप्शन दिया गया है। अगर आपके पास पैन नंबर नहीं है तो आधार नंबर दे सकते हैं, अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है पैन नंबर है तो भी काम चलेगा, ठीक है। उसके बाद सबमिट कर देंगे। इसके सबमिट कर देने के बाद नीचे आप जा सकते हैं, यहाँ देखिए अपडेट योर प्रोफाइल पिक्चर, तो आप यहाँ अपना पिक्चर अपडेट कर सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ एक पिक्चर अपडेट करता हूँ, ठीक है। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे एक पिक्चर अपडेट कर देता हूँ, देखिए कैसे अपडेट करता हूँ। आप भी ऐसे ही करना, ऐसे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम क्लिक करते हैं पिक्चर पे और ढेर सारे आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है मेरा, और यहाँ मैं इसको ही क्लिक कर लेता हूँ। देखिए यहाँ चला आया, अपडेट हो गया है, आपको सबमिट करना है, सबमिट हो गया है। ऐसे आपको करना है, अगर आप यहाँ देख सकते हैं अपडेट योर पासवर्ड, आप पासवर्ड अगर चेंज करना चाहते हैं या नया पासवर्ड डालना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। तो चलिए फिर से हम दिखाते हैं और क्या क्या कर सकते हैं। तो यहाँ तो आपको दिखाया, आपने यहाँ पे टीम देख सकते हैं, तो अभी मैं आज ही ज्वाइन हुआ हूँ तो आज मेरा टीम नहीं है। आप देख सकते हैं लेवल नंबर दिया हुआ है और टीम टोटल मेंबर दिया हुआ है और आपका बोनस कितना क्या मिलेगा। देखिए 5 रुपया दिया हुआ है अगर फ्री में ज्वाइन होते हैं, ठीक है। यह आप देख सकते हैं फर्स्ट एक नंबर पर अगर फ्री में ज्वाइन होते हैं तो 5 रुपया दिखाई दिया है, और अगर पेड मेंबर होते हैं तो आपका 35 रुपये यानी 35 रुपीज़, अगर सेकेंड लेवल पर 3 यानी 3 रुपया, और आपको 25 रुपया अगर पेड मेंबर होते हैं तो, और थर्ड लेवल पर 2 रुपया फ्री मेंबर और पेड मेंबर को 15 रुपया, और फोर्थ लेवल पे 1 रुपया और पेड मेंबर को 10 रुपया। तो आप पेड मेंबर ही बनिए, ठीक है। तो अगर पेड मेंबर बनेंगे तो आपको ज़्यादा इनकम होगा। और ढेर सारे दोस्त कहते हैं कि पेड मेंबर अगर मैं बनना चाहता हूँ तो क्या आईडी बनाने के 2-1 दिन बाद यानी 2-1 दिन बाद हम पेड कर सकते हैं? तो हाँ दोस्तों, यहाँ ऑप्शन कंपनी अभी दे रहा है, बाद में क्या होगा पता नहीं, लेकिन अभी दे रहा है, आप 2 दिन या 3 दिन बाद आप पेड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ फिर से बैक जाते हैं। इसी तरह आपको सारे आईडी बना के आप अर्निंग कर सकते हैं। तो हम यहाँ आपको डैशबोर्ड में लेके जाते हैं होम पेज पे और दिखाते हैं। देखिए हमारा यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अभी फ्री मेंबर हैं, हाँ हम फ्री हैं, हम भी 2-1 दिन बाद वो पैसा डाल देंगे। देखिए यहाँ फोटो हमारा आ चुका है, आप देख सकते हैं ये पहला वाला फ़ोटो है और ये दूसरा वाला, ये दूसरा मोबाइल है हमारा, ये दूसरा मोबाइल पे ये दूसरा फ़ोटो आ चुका है, ठीक है। तो चलिए ऐसे ही आप अपना आईडी बनाइए ड्रीम पेपर और अर्निंग कीजिए। यहाँ एक कंपनी 16 तारीख को, इस मंथ का 16 तारीख को रजिस्टर्ड हुआ है, और एक कंपनी फेक है या असली है ये भी आप जान पाएंगे, ये भी आप जान पाएंगे। हम जो बात कह रहे हैं वो सुन लीजिए, आपको गूगल पे जाना है और गूगल पे सर्च करना है www.google.com, और वहाँ सर्च करने के बाद आपको जो टाइप करना है वो गूगल आ जाएंगे। तो गूगल आने के बाद वहाँ आपको टाइप करना है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। जब भी आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स टाइप करेंगे तो वहाँ आपको कंपनी का डिटेल्स बताएगा, वो गवर्नमेंट का साइड है। गवर्नमेंट जो जो कंपनी आते हैं, जो नया होते हैं पुराना है सबका रजिस्टर्ड वहाँ होते हैं, तो गवर्नमेंट वहाँ से अगर उस साइड से आपको एक कंपनी का सारा डिटेल्स मिल जाते हैं तो आप जान पाएंगे, आप जान जाएंगे कि ये कंपनी फेक नहीं है, सही है। वहाँ आपको कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस, एमडी का नेम, सारे डिटेल्स आपको पता चल जाएगा, कब रजिस्टर हुआ है, कितना मेंबर हुआ है, कितना इसका कहाँ इसका ब्रांच है और कहाँ हेड ऑफिस है, इनका सिन नंबर क्या है और LLP नंबर क्या है, पैन नंबर क्या है, सारे डिटेल्स आपको, लीगल डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ मिल जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे YouTube को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाइएगा, क्योंकि
जब भी हम ऐसे ही नया कुछ लेके आएंगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा। तो चलिए आज हम चलते हैं, सब अच्छी रहिएगा और अर्निंग के मज़ा लीजिएगा।